झारखंड मजदूर संघ के केंद्रीय समिति की बैठक रविवार को करंडी स्थित आदिवासी भवन में आयोजित हुआ। झारखंड मजदूर संघ के 13वें महाधिवेशन मजदूरों के हितों की बात उठाई गई। विभिन्न कंपनियों में आदिवासी मूलवासी मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी से एवं उनकी मूलभूत जरूरतों से वंचित रखा जाने का विरोध किया गया। मूलवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखे जाने पर भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। महाधिवेशन है, 13वां महाधिवेशन है, है ना? तो इसलिए हम लोग मजदूरों का हित का बात करते हैं, जो कि झारखंड मजदूर संघ की ओर से बहुत से जो हम लोग का मजदूर का हक जो है, जो 15 वर्षों से जो भी मैंने स्थायीकरण में मैंने काम करते हैं स्थायी जॉब में, उसको स्थायीकरण किया जाए। और जो मनरेगा का तहत में 100 दिन का बोल के नहीं 200 दिन का काम मिले, और मशीनकरण का हम लोग विरोध करते हैं। और टाटा मोटर्स और आपका टिस्को में तो बहुत सारे धांधली है, जो सेफ्टी का नाम में मजदूरों को यहाँ का स्थानीय मजदूर को छाट दिया जाता सेफ्टी का नाम पर और मेडिकल ग्राउंड का नाम पर, जो कि गलत है। यहाँ का लोग छटा जाते हैं, बाहर का लोग हावी हो जाते हैं, हम लोग इसको कड़ा निंदा करते हैं। साक्षी में ब्राह्मण महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें गिरिडीह के सांसद रविंद्र पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। साक्षी में ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महासभा के महासचिव आनंद बिहारी दुबे ने मंच का संचालन करते हुए आगंतुकों का स्वागत किया एवं समारोह आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद गिरिडीह के सांसद रविंद्र पांडे ने भी लोगों को संबोधित किया। यहां एक होली मिलन कार्यक्रम समस्त जमशेदपुर के ब्राह्मण वासियों के साथ एक होली मिलन का कार्यक्रम है। उधर दूसरी ओर झारखंड ताती सेवा संघ का रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शेरो शायरी गीतों का दौर चलता रहा। ताती सेवा संघ का होली मिलन मनाया जा रहा है, इसमें हम लोग होली मिलन के अवसर पर कुछ ज्ञान विज्ञान और रंग अबीर के साथ सब मिले हैं, बच्चे भी आए हैं। शरबत से भींगा पोड़ पोड़ मिठाई दिख रहा चहुओर, नाच उठा मनमोड़ नाच उठा मनमोड़। स्वदेशी मेला के अंतिम दिन भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। आयोजक भी अच्छे रिस्पांस के काफी उत्साहित दिखे। लोगों के जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए स्वदेशी मेले की तारीख बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। हालांकि घोषित अंतिम दिन रविवार को भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दिखी। इस बार मेला का बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा और भीड़ भी काफी हुई और सारे दुकानदार भी सेटिस्फेक्शन हुआ। इस बार मेला का स्वदेशी का मैंने इतना ज्यादा बिक्री हुआ कि आदमी लोग और आना चाह रहे हैं, सब डबल डबल बिक्री है। मानगो पुरुलिया रोड स्थित ब्राइट माइंड किड्स स्कूल का उद्घाटन पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में रविवार को पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने ब्राइट माइंड प्ले स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय मिश्रा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। नमस्कार, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय मिश्रा जी। डॉक्टर, ये मानगो में ना कि सिर्फ एक एजुकेशन के नाम इस्तेमाल करना है और उसको आगे बढ़ाने की सोच बनानी है, और चूंकि बच्चों से भविष्य की बुनियाद है बच्चे, और बच्चों से ही हमारा भविष्य बनना है, इसलिए हमको बहुत संजीदगी से इस पर विचार करना होगा। और मेरी ये सोच भी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके बीच में, चाहे वो तालीम का क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी खिदमत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप जानते हैं
कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ और आपके लिए करने में विश्वास करता हूँ। और आज चूंकि बहुत व्यस्त था, लेकिन चूंकि तालीम का क्षेत्र है और इस क्षेत्र को निश्चित तौर पर आगे लाना है, पढ़ाना है, चाहे वो मदरसों का क्षेत्र हो, चाहे इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाने का क्षेत्र हो, मैं निश्चित तौर पर यह कहूँगा कि हमको अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है, उनको पढ़ा लिखा के, चूंकि दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पर है, इसलिए हमको उसको अच्छी ज्ञान देना है, अच्छा उसको शिक्षित करना है, समृद्धशील बनाना है। और इन्होंने बड़ी तीन शब्दों को लिखा है कि लव, लर्न और लाइफ। ये तीन शब्दों को इन्होंने संचित किया है, अपनी किताब में अंकित किया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि यदि इनकी सोच है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने गार्जियन से, अभिभावक से जरूर ये कहूँगा कि हमको इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जरूर पढ़ाना चाहिए, उनको 21वीं सदी के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को और अपने कर्म और धर्म को भी उसमें कहीं अक्षुण बना के रखें, वहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है कोई भी हमारी सभ्यता जो है वो हमारी संस्कृति और संस्कारों पर हमला कर दे। इसलिए हमको संस्कृति और संस्कार को भी मजबूत रखना है, क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम परिवार में तो बहुत लोगों से हमारा ताल्लुकात है, मुझे लगता है कि इलाका ही पूरा जो है वो मेरा घर जैसा है। आपके यहाँ बहुत पर्दा होता है, लेकिन मैं तो जिस घर में जाता हूँ वहाँ मेरी बहन उसको जो है बैठाती है, चाय पिलाती है और प्यार से बात करती है, इतना हमको प्रेम और आप सम्मान देते हैं। धतकीडी गाजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले छोटू नामक व्यक्ति के 11 वर्षीय अनुज लापता हो गया है। धतकीडी गाजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले छोटू ने बताया कि उसका 11 वर्षीय अनुज शिरामुद्दीन पुरुलिया का रहने वाला है। पिछले दिनों वह जमशेदपुर घूमने आया है। रविवार को सुबह से ही वो कहीं लापता हो गया है। परिजन हर तरफ उसकी तलाश में जुटे हैं। संभवतः नया होने के कारण वो घर का रास्ता भटक गया है। यहाँ घूमने के लिए आए थे और कल 8-9 बजे से हरिहर बस्ती तरफ निकला है और उसके बाद से रास्ता खो गया, गुम हो गया, यानी कि और हम लोग कल से किडनैपिंग का मामला नहीं ना है? नहीं, नहीं। कोई फोन उन आया है? नहीं, नहीं। क्या नाम है उसका? शिरामुद्दीन नाम। कदमा अनिल सुरपत में किडीज कॉर्नर नामक नए प्ले स्कूल की शुरुआत की गई। अनिल सुरपत कदमा में किडीज कॉर्नर नामक नए प्ले स्कूल की शुरुआत की गई है। इस प्ले स्कूल में वातानुकूलित कमरों के अलावा बच्चों को तरह तरह के खेलों के माध्यम से अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया भी जाएगा। स्कूल की प्रबंधक शिवोशी ठाकुर ने बताया कि अन्य प्ले स्कूल्स की तुलना में किड्जी कॉर्नर काफी अलग है। हमारा ये स्कूल है किडीज कॉर्नर प्ले स्कूल, हम लोग कदमा में यहाँ पे अनिल सुरपत में खोले हैं। तो हमारा ये मोटो है स्कूल का कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं एजुकेशन में उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो सिर्फ डेकोरेशन में ही ध्यान देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के बच्चे बहुत अच्छा आगे बढ़ के बहुत अच्छा हो, और सारी फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, जैसे स्मार्ट रूम हम लोग कर रहे हैं और AC हम लोग रखे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, और सारा एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं ओकेजनली, जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, सब कुछ होता है, सारा हम लोग फैसिलिटी देते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज करवा रहे हैं बच्चों को। सुनारी स्थित आदित्य होम्स में जिसको की बिजली सेवा आरंभ होने की खुशी में साई भजन का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने भाग लिया। सुनारी रोड नंबर 7 एक्सटेंशन स्थित आदित्य होम्स में जिसको की बिजली सेवा आरंभ हो जाने से सोसाइटी के लोगों में हर्ष व्याप्त है। लंबे समय से प्रतीक्षित बिजली आ जाने की खुशी में सोसाइटी के लोगों ने साई भजन का आयोजन किया। हम लोग एक्चुअली 8 साल से इंतजार कर रहे थे टिस्को पावर के लिए, तो हम लोग तो संकल्प किए थे कि जिस दिन हमारा सोसाइटी में पावर आएगा तो हम लोग बहुत धूमधाम से बाबा का पूजा करेंगे। तो बाबा का संकल्प लेके हम लोग ये कार्य को स्टार्ट किए और आज बाबा के दया से हमारे कंपाउंड में टिस्को पावर है, आज हम लोग सक्सेसफुल है और आज हमारे सोसाइटी में हम लोग का अगला कदम पानी है, टिस्को पानी भी आ जाएगा। प्रोग्राम स्टार्ट होगा उनका 6 बजे से। क्या जगह का नाम? ये आदित्य होम्स